सावंत। अनपढ़ हूँ मैं। अनपढ़ है वो, ड्रामेबाज है वो, तू क्या है? रेपिस्ट। अभी तो दो लोग आए थे माइक पे, सिर्फ दो ही लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, अभी 50 लोग आए। अभी दो लोग आए तो इसके फटके हाथ में आ गई है, पैरों में आ रहा है, नहीं डाल रहे ना उसके कहने। छह महीने तो ये रह कर आया ना, तो तू रह के आया ना, तू कुछ भी बोलने से तो किसकी बात में सच्चाई है वो तो पुलिस वालों को पता है, इसीलिए तो तेरे को लेके गए, उसको तो लेके नहीं गए। और सुन, और सुन, तेरी ईरानी कल भी आ रही है, तेरी ईरानी कल भी आ रही है, वो भी आके अभी बयान देगी। आप किस तरीके से एक औरत के ऐसे वीडियोस बना सकते हैं और अपने फोन में रख सकते हैं? राखी जी, आपके ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाया गया है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आदिल ने, जहां पर कहा है कि आपने उनकी न्यूड वीडियो किए हैं, क्या कहना चाहोगे? कहना चाहूंगी नहीं, सुनाना चाहूंगी कि देश भर के लोग या कोई क्या बोलते हैं उसको, जो बंदा है, आई हाय राम, हाय भैया, दो तीन सेकंड पहले उसने डिलीट कर दिया। किसने किसने? बंदे ने जिन्होंने भेजा, नाम नहीं बता सकते। उस बंदे ने ऑडियो ही डिलीट कर दिया, तो मैं आरोपी आदिल खान दुरानी से कहना चाहती हूँ कि वीडियो मैंने वायरल नहीं किए। कल हम पुलिस स्टेशन गए थे, वो बहुत डंके की चोट पे गया था, सबको कहता है राकेश सावंत ने मुझे 6 महीने जेल में रखा है, उसको मैं पूरा 1 महीना जेल में रखूँगा। ओ रियली? तो वो गया था पुलिस स्टेशन झूठे झूठे सबूत लेकर, ये देखो मेरी लुंगी ऊपर उठा के राखी ने मेरी पुंगी बजाई, ऐसे ऐसे वीडियो दिखा रहा है। तो मुझे मैसूर से, देश भर से लोगों की ऑडियो वीडियो आ रहे हैं, जो मैंने बोला ना, जो बंदों के हैं, जो देखिए मैं इस बारे में, एक सेकेंड, अरे तुमने कल जो मुझे ऑडियो भेजा था कि ये आदिल खान का न्यूज वीडियो देखो क्या हो गया, राखी मैम देखो, वो मुझे वो ऑडियो फिर से भेजना प्लीज, क्योंकि जो बंदों ने भेजा ना वो देखो आपके सामने, उन्होंने डिलीट कर दिया वॉइस मैसेज, अगर मैंने उसको सेव करके रखा होता तो अच्छा होता, बट उन्होंने मुझे देखो ये सब भेजा है, आप खुद देखो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, किसने भेजा देखो, आप देख सकते क्या, आप देख सकते क्या? और मैं रो भी रही हूँ, मैं रो भी रही हूँ कि ये क्या हो गया भाई, क्या भेजा था उन्होंने? ये वीडियो भेजा कि माय हस्बैंड, मेरे प्रिय हस्बैंड जो है वो अपना एक कैमरे में लुंगी उठा रहे हैं और अपना पिछवाड़ा दिखा रहे हैं, अपनी ऐस के साथ अपने होल भी दिखा रहे हैं, वैसा उस टाइप का वीडियो जो है जो देश भर में वायरल हो रहा है, फ़ोन उनके हाथ में है और अब फोन से वो खुद अपना पिछवाड़ा दिखा रहे हैं, मेरे प्रिय पति आदिल खान दुरानी। तो आप पूरी तरह से रिजेक्ट कर रहे कि आपने ये कुछ शेयर नहीं किया? मैं फॉरेंसिक इंक्वायरी मांग रही हूँ, फॉरेंसिक। हाँ, किसी ने कहाँ कहाँ भेजा तो मैंने अपनी स्टोरी में डाला, वो मेरा हक है, वैसे तो मैं सबकी स्टोरियाँ डालती हूँ जो रिक्वेस्ट करते हैं, और मेरे पति तो गुनहगार है तो मैं स्टोरी में क्यों ना डालूँ? आपने, हाँ, मतलब वो आपका बड़े बिस्तर थोड़ा सा उधर रखिए प्लीज। हाँ, और तो वो कह रहे कि आपने शेयर किया, उन्होंने आपका आईडी दिखाया, ऐसा वो कह रहे थे, आदिल कह रहे थे कि आपने शेयर किया, आपने सबमिट कराई ये वीडियो सभी। वो मेरे आदिल खान हस्बैंड ये भी बोलेंगे कि राखी सावंत ही इस देश की प्रधानमंत्री है, तो क्या आप मानेंगे? राखी सावंत ने ही चंद्रयान चांद पे भेजा है, राखी सावंत ने ही चांद पे झंडे गाड़े हैं, तो क्या आप यकीन मानेंगे? नहीं, ये सब कुछ साइंटिस्ट लोगों ने किया है। तो आदिल खान दुरानी ये एक सरासर झूठ बोल रहे,
मेरे नाम की पब्लिसिटी पाकर बॉलीवुड में तमाशा खड़ा करना चाह रहे, बड़ी बड़ी हीरोइनों को लूटना चाह रहे। सुन लो, परिणीति चोपड़ा, काजोल, कीर्ति, ये जितनी और क्या क्या नाम रह गया, और दो चार नाम बताओ, कटरीना कैफ, ये जितनी बड़ी बड़ी हीरोइनें हैं, सुन लो, जैकलीन, आदिल खान दुरानी ने कहा है कि ये सब मेरे फिल्मों में आइटम सॉन्ग्स करेगी और ये हीरो होगा। शाहरुख, सलमान, आमिर, रणवीर सबको रिप्लेस करेगा, ये सबको घर में बिठा देगा। तो ये कितना झूठ बोलता है, मेरे पे इल्ज़ाम डाल रहा है। तो इस इल्ज़ाम को मैं क्रॉस करती हूँ, खारिज करती हूँ। ऑर्डर ऑर्डर, नेक्स्ट। शैली मैम, आपके ऊपर भी काफी गंभीर आरोप लगाए हैं, उन्होंने आर्टिकल बताया कि आप सुपारी किलर है, आप लोगों का मर्डर करवाती है, आप उन लोगों का मतलब आप समझे, आप वसूली करती है, आप इस तरह का उन्होंने कहा है। जैसे कि पहली बात तो ये है, एक आरोपी, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाले उस आरोपी को बोलिए कि सबूत पेश किए जाएं। तुम्हारे सबूत तो हम पेश कर देंगे अभी और कर भी चुके हैं। ऐसे ऐसे सबूत पता है, कैसे कैसे सबूत है भाई। हाथ बनाए ईश्वर ने खाना खाने के लिए, पिछवाड़े में उंगली डालने के लिए नहीं जी, समझ गए। मेरे खिलाफ जो भी उसने बोला है वो सबूत पेश किए जाए बोलने के लिए। जैसे अभी राखी ने बोला कि वो बोलेगा हम देश के प्रधानमंत्री हैं तो क्या हम बन गए। आप सबूत दिखाइए, आप सबूत पेश कीजिए कि आपने कब देखा ऐसा, कब सुना ऐसा। मैं आप लोगों को जरूर भेजूंगी। नहीं शैली, आदिल खान दुरानी वो बंदा है, एक नंबर लेगा, उस पर राखी सावंत नाम लिखेगा, पोस्ट करेगा, फिर वापस वो नाम चेंज कर देगा और देश की जनता को लगेगा कि राखी सावंत है। इतना क्रिमिनल माइंड है ये आदिल खान दुरानी। पहली बात, एक आरोपी को कोई हक नहीं है किसी और के ऊपर आरोप लगाने का। उसको बोलिए अपनी सफाई में बात करे। बात यहाँ पे आदिल खान दुरानी की हो रही है, बात यहाँ पर राखी सावंत के साथ चीटिंग करने की हो रही है, बात यहाँ पर आदिल खान ने जो उस ईरानी लड़की के साथ किया है उसकी हो रही है। आप दुनिया को गुमराह ना करें कि मैं क्या करती हूँ, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे दुनिया सवाल पूछना चाहती है, क्या आदिल खान दुरानी ने रेप किया था के साथ और ईरानी लड़की के साथ रेप किया था या नहीं? क्या इस केस में, क्या इस गुनाह में वो 6 महीने जेल काट कर आया था या नहीं? सवाल ये है, सवाल ये नहीं है। Shame on you those people जो कहते हैं कि तुम्हारे साथ रेप हुआ। मेरे साथ उसने रेप किया बट मैंने उनके साथ शादी करी। तो अगला बंदा पूछता है कि आप वर्जिन थी, मैं वर्जिन रहूं या ना रहूं, मैटर वो नहीं है, रेप मेरा हुआ था और ये साक्षात आपके सामने हुआ था। जिस रेपिस्ट ने जो कि ऑलरेडी इसकी गुनाह की सजा काट के बाहर आया है, वो बाहर आने के बाद अपने गुनाहों का पूरा श्रेय राखी सावंत को दे रहा है, तो जो उसके बचाव में आए हैं, जो उसके साथ खड़े रहे हैं, उनके ऊपर आरोपियों की बौछार होगी या नहीं होगी, ये मुझे आप लोग भी बताइए। और बाकी जो भी उसने डाला है उसके जितने भी जो है एविडेंस मैं आपको भेज दूंगी, इंक्लूडिंग कि आदिल खान दुरानी के ऊपर क्या केसेस हैं और उसने लड़कियों के साथ कैसा चीटिंग किया है। बहुत जल्दी ही हम लोग जो है आप लोगों को नहीं, हमें बताना, आज हमने बुलाया है, आज हमें बताना है कि उसने क्या क्या किया, कौन सा वो कुर्क में, बहुत सारी लड़कियों के साथ और लड़कों के साथ भी वही कुकर्म किए हैं जो कि आगे कैमरे में आने से डर रहे हैं और वो लोग मुंबई तक आने का सफर तय नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग अपने घरों से डरे हुए हैं, कुछ लड़कियां हैं, समाज से डरे हुए हैं, बहुत चीजों से डरे हुए हैं और उन्हें यहाँ से आने तक का समय तय करने के लिए भी वक्त नहीं है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन लोगों के साथ जिनके साथ आदिल खान दुरानी ने शारीरिक संबंध बनाए, उनके वीडियोस बनाए और उन लोगों के साथ गलत किया और उसके साथ में लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप लोगों को पूरी की पूरी जानकारी आपको राखी दे देगी ग्रुप के अंदर। बहुत जल्दी इस मुद्दे पे
इस पूरे के पूरे मुद्दे पे कि आदिल खान दुरानी किस तरीके से लड़कों और लड़कियों का सेक्सुअली हरासमेंट करता है और उनकी वीडियोस बनाता है और उनको ब्लैकमेल करता है, उन लड़कों को और उन लड़कियों को हम सामने लाएंगे मीडिया के, लेकिन यहाँ का सफर तय करना मुश्किल है। इसीलिए मैं बॉम्बे की पूरी मीडिया को इन्वाइट करूंगी और उन लोगों को बोलूंगी कि वो लोग वहां तक। और ये देखिए, मैं किसी का नाम नहीं बताना चाह रही, आई रिक्वेस्ट, लोग मुझे भेज रहे हैं, लोग मुझे भेज रहे हैं, मैं नहीं बताना चाह रही हूँ, लोग मुझे वीडियो भेज रहे कि तुम्हारे हस्बैंड उस वीडियो के बाहर आने के बाद, जो वीडियो आदिल खान दुरानी की जो अभी वीडियो वायरल हो रही है, किसने वायरल की है, किसने नहीं की है, इसका दावा फॉरेंसिक और साइबर क्राइम कर लेगी। उससे पहले कि वो राखी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए, उसका फैसला जो है कानूनी तरीके से साइबर क्राइम ज़रूर कर लेगी। लेकिन इस बीच में बहुत अच्छा हुआ कि उसकी इस वीडियो के आने के बाद बहुत सारे लोग जो उसके इस कुकरम का शिकार हुए हैं, वो लोग मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखने के लिए तैयार हो चुके हैं। पहली बात, ये आप लोगों को फ़ोन दिखाता है, वो फ़ोन कौन सा पता है? नया फ़ोन है, जेल से छुट के आने के बाद नए नंबर लिए हैं या कौन से नंबर लिए, नया फ़ोन है। वो फ़ोन पुलिस ढूंढ रही है आदिल खान दुरानी, जिसमें ईरानी लड़की, कुर्क की लड़की, बेंगलोर की लड़कियाँ, मैसूर की लड़कियाँ, औरंगाबाद की लड़कियाँ, चंडीगढ़ की लड़कियाँ, लड़के, इनके सब के जो आपने आगे पीछे ऊपर नीचे यौन शोषण करते हुए जो वीडियो बनाए हैं, वो पुलिस वो ढूंढ रही है। मीडिया को तुम उल्लू बना रहे हो, ये देखो एक भी वीडियो है तो दिखाओ। अबे वो तेरा खजाने का है ना, एक तू मीडिया को गुमराह कर रहा है, तू जर्नलिस्ट को गुमराह कर रहा है, रियली तू इतना शातिर है। राखी जी आपसे सवाल है, जैसे कि आपने मोबाइल के बारे में बात की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उन्होंने आप पे आरोप लगाया कि वो जो फोन है जो वो आपके पास है, सब उन्होंने कहा है, पुलिस को भी ये जानकारी, आप क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? वो एक नंबर का आदिल खान दुरानी दगाबाज है, झूठा है। मेरे नहीं उसका एक सेकंड, इसका जवाब मैं देना चाहूंगी। मैंने या इसने आपके ऊपर इल्जाम लगाए, राखी ने आदिल खान दुरानी को अरेस्ट किया, पूरी जनता जानती है। तो एक अक्यूज्ड, जिस बंदे ने उसको जेल में डलवाया, उसी को फोन दे के जाएगा? वाओ, हां प्लीज मुझे जनता बताइए कि राखी सावंत ने आदिल खान दुरानी के ऊपर इल्जामात लगाए, उसको उसने जेल में अरेस्ट करवाया, तो वो जाते जाते इसी को सारे सबूत कि धन्यवाद आपने मुझे जेल पहुंचाया है, तो कृपया करके आप मेरे फोन रखिए। क्या बात है आदिल खान, क्या बात है, क्या झूठ पे झूठ बोलता है। राजा राम भाई इधर ही बैठे हैं, उसी फोन से जब वो अंदर लॉकअप में था, जब इंक्वायरी हो रही थी ओशियारा पुलिस स्टेशन में, तो उन्होंने उनको रात को 12 बजे तक मैसेज कर रहे थे। एक सेकंड, जब आदिल खान दुरानी के ऊपर मैसूर पुलिस ने रेप के अगेंस्ट चार्जेस लगाकर अरेस्ट किया था, उस वक्त भी उसने यही झूठी दलीलें दी थी कि फ़ोन राखी सावंत के पास है। पुलिस ने अपनी पूरी इंक्वायरी की थी कि क्या वो फ़ोन आदिल के पास जो था क्या वो राखी सावंत के पास था या नहीं। तो ये जो धोखे और बेकार की चीज़ें जो बोल रहा है, कोई भी क्रिमिनल किसी भी ऐसे इंसान को अपनी सबूत पेश करके नहीं जाएगा जिसने खुद ही उसके अगेंस्ट जो है सारे एलिगेशन। प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है, ओशिवारा पुलिस स्टेशन का टावर, और मैं ओशिवारा में रहती हूँ, यहाँ का टावर जो है ना वो एक मिलता है, और उसने ओशिवारा पुलिस स्टेशन से ही अपने दोनों फ़ोन उसके सलमान ड्राइवर है ना उसको दे दिए थे। सलमान वो ड्राइवर है जो उसको यहाँ से उसका सामान, उसका फ़ोन। एक सेकेंड, हाँ जैसा कि आपने बोला कि आरोप है राखी सावंत के ऊपर कि वो उन्होंने उनके वीडियोज़ को वायरल किया है, ये एक आरोप इनके ऊपर है जो कि बेबुनियाद है उसकी, जैसे कि मैंने। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ मिस्टर आदिल खान दुरानी, आपने अपने ऐसे वीडियोस बनाए क्यों?
आपको शर्म नहीं आई इस तरीके के वाहियात वीडियो बनाते हुए? वीडियो आप अपनी मर्जी से बना रहे हैं, वायरल किसने किया, क्या हुआ, ये तो जरूर सबूत आएंगे। और जिसने गलत किया है और जिसने भी ये कानून को जो है उल्लंघित किया है और जिसने भी इस तरीके की घटना को किया है वो तो पक्का पकड़ा जाएगा। लेकिन आपको शर्म नहीं आई इस तरीके के वीडियो बनाकर रखते हुए? मेरा सवाल है आपसे, मैं एक ही बात जनता से पूछना चाहती हूँ, कौन ऐसा पति है इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, बीवी नहा रही है तो उसका न्यूड वीडियो बनाता है, बीवी टब में न्यूड बैठी है, टब में कपड़े साड़ी पहन के तो कोई बैठेगा नहीं, तो उसकी वीडियो बना रहा है, मेरा फोन, बीवी कुछ भी गंद मतलब क्या बोलूँ मैं, निवस्त्र अपने हस्बैंड के साथ ही वीडियो बना रहा है। और कौन सा ऐसा आदमी है कि अपने ही फ़ोन से अपने पिछवाड़े का फ़ोन ऐसे ऐसा लेता है और घड़ी घड़ी वीडियो पिछवाड़े का बना नहीं सकते? मुझे हैं? समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या तुम्हारे पिछवाड़े में ऐसा कौन सा खजाना है कि तुम बार बार ऐसे वीडियो बना रहे हो अपना पिछवाड़ा दिखाने के लिए। आदिल, ये आप लोग नहीं नहीं इधर ला, मेरा दिखाना, ये मेरा है, ये दिखाना आप लोग, आप लोग ब्लर करेंगे, वादा करेंगे, ये देखिए, ये किसके हाथ में, ये किसके हाथ में, ये मैं हूँ, मुझे कितनी शर्म आ रही है, हाथ में किसके है कैमरा, किसके हाथ में कैमरा है, ये मैं हूँ न्यूड, मेरे हाथ पीछे हैं, और भी तो है ना राखी जी, मेरे उनको देखो, ये देखो मैं कहाँ हूँ, उसके हाथ में कैमरा है आदिल के, लेकिन ये देख रहे हैं मैं किधर, नहीं एक लेकिन, लेकिन क्या लेकिन, पहले इसका ये देखिए, लेकिन मैं टब में कितनी दूर बैठी, कौन शूट कर रहा है, कौन शूट कर रहा है आप बताओ मुझे। लेकिन राखी जब उस समय तो आप हस्बैंड और वाइफ थे तो प्यार में, तो ये देखो प्यार ये में देखो, ऐसी वीडियो बनाते हैं प्यार में बीवी के साथ, आप ऐसी वीडियो बनाते हैं, किसी का भी तो कंसेंस होगा उस समय? नहीं, नहीं तो मैं तो हनीमून में थी, मैं तो प्यार में थी, नई नई शादी। ओके एक सेकंड, आप अपनी बीवी के कौन भाई कौन बहन इस तरीके के अपने वाइफ के इस तरीके के फोटोज वीडियोज लेता क्यों है? ले तो ये नहीं रही फोन में तो इसके नहीं है वो वीडियोस, तो कौन इस तरीके का, किस तरीके की मानसिक हालत ये इंसान रखता है जो इस तरीके के वीडियोस और फोटोज शूट करता है, उसकी इंटेंशन नहीं, क्या होगी? ये पूछ रहा हूं, जब ये ले रहे थे फोटोज वीडियोस तो आपने एक भी बार नहीं रोका, मतलब ये अलग अलग चार पांच बार रोका। उन्होंने बोला मुझे ज्ञान देते हैं ना, बहुत ज्यादा ज्ञान है, जैसा भी जर्नलिस्टों को ज्ञान देते हैं, आधे जर्नलिस्ट को कल बुलाया नहीं कि राखी के पास नहीं जाने का, सिर्फ मेरे पास आने का, तो ये मतलब नहीं है जन उनको। देखिए उस वक्त मैंने कहा था हम लोग प्यार में थे, नई नई शादी थी, मुझे कतई दिमाग में ये नहीं था शैली शैली के ये मेरी वीडियो बेचेंगे और या ये मेरे यू नो वीडियो उस दिन के लिए रख रहे हैं मुझे ब्लैकमेल करने के लिए। पहली बात तो ये है, चाहे औरत एग्री कर रही है या नहीं एग्री कर रही है ये सवाल दूसरा है, आप किस तरीके से एक औरत के ऐसे वीडियोस बना सकते हैं और अपने फोन में रख सकते हैं? कल को जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुए, क्या उसके लिए राखी रिस्पॉन्सिबल है या वो बंदा रिस्पॉन्सिबल है जिसने ये शूट किया है या जिसने इस तरीके की अपनी फोन में इस तरीके की फोटो को कैप्चर किया, वो गुनहगार है या जो उस पिक्चर में है वो गुनहगार है? मुझे प्लीज बताइए आप लोग। ठीक है राखी जी, अभी आप एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस आप रखने वाली है, हंगामा करने वाली है, ऐसी जो खबर शैली मैम ने दी है आपके, आप क्या कहना चाहिए? क्योंकि उन्होंने कह दिया आपने जैसे कि शैली राखी जी, आप क्या कहना चाहिए? क्या आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैसूर जाके करने वाली हैं? अरे सेंड मी योर वॉइस मैसेज बाबा, देखिए जब आदिल खान दुर्रानी जेल से छुटके आया था, आज भी मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैंने कहा जाइए खुश रहिए, मुझे डाइवोर्स दीजिए, शादी कीजिए, जो करना कीजिए, मेरी ज़िंदगी से दूर चले जाइए। बोलता है ठीक है, मुझे मेरी कार दे दो और मेरे कपड़े दे दो। और दुनिया को कहता कि मीडिया ट्रायल कर रही है, मुझे मीडिया ट्रायल करने की ज़रूरत नहीं है दुनिया। इसने मीडिया में झाके मुझ पर आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप लगाए, इसको मीडिया ट्रायल करना था, इसको इसने मुझे कहा
कि मैं ऐसा कर तुझे पागल साबित कर दूंगा, तुझे झूठा साबित कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा कि तुझे ज़िंदगी में कोई लड़का शादी करने के लिए नहीं आएगा, बॉलीवुड में कोई खड़ा नहीं करेगा, इसके बोलने से। और आज रो रहा है, शैली दीदी को फ़ोन कर रहा है, राजा राम को फ़ोन कर रहा है, उसके दोस्त को फ़ोन कर रहा है, अब्बास भाई को फ़ोन कर रहा है, शर्लिन चोपड़ा को फ़ोन कर रहा है, मैसेज कर रहा है। एक मिनट में दिखाती हूँ आपको, शर्लिन चोपड़ा का मैसेज कर रहा है, ये देखो, आदिल खान दुरानी ने कॉल किया है कि ये देखो, आदिल खान दुरानी ने शर्लिन चोपड़ा को बोला इधर आ जाओ, वापस इधर आ जाओ। हाँ, ये देखिए ना, वापस आ जाओ। मुझे शर्लिन जी ने यहाँ पर अभी मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है कि मेरे पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने कुरान पाक की कसम खाई है, राखी मैं आपको नहीं छोड़ के जाऊँगी, आप मेरी बहन है। आदिल खान दुरानी के नंबर से शाहबाज को भी फोन कर रहा है, देखो टेक कहता है कि मुझे, मैं आपको पैसा दूंगा। शाहबाज कल उनके फ्रेंड आए थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, मैं आपको पैसा दूंगा, राखी का सपोर्ट मत करो, तू मेरा जिगरी यार है, मेरा बचपन का यार है, दोस्त है, मैं तुझे एक नई गाड़ी दूंगा, मैं तुझे जैकलिन फर्नांडिस से मिलाऊंगा, सुनो। ये देखो आदिल खान दुरानी का उसको फोन मैसेज, कहता तुझे जैकलिन से, करीना कपूर से, उर्फी जावेद से, इन सब से मिलाऊंगा, सबको डेट पे लेके जाऊंगा, सबको खाना खिलाऊंगा। आदिल खान दुरानी कह रहे, अच्छा पहले तू तो मिल ले, अरे पहले आदिल खान दुरन पहले तू तो मिले, तू तो मेरे पैर पड़ रहा था, मुझे जैकलिन से मिलाओ, तो उस तुमको मिलाया था मैंने, तुम्हारे फोटोज़ भी है, मुझे इससे मिलाओ, मुझे उससे मिलाओ, तुम मुझे जिसके लिए पीटते थे। आप कुछ कहना चाहते थे, आदिल ने कुछ बोला है जिसको लेके आप काफी घोड़े के बारे में? हाँ, जो क्या कहना चाहोगे? देखिए उन्होंने कहा कि अनपढ़ औरत, मुझे कहा, कहता है अनपढ़ औरत, हाँ शादी करा, मेरे से पैसा लिया, तभी इसको अनपढ़ औरत में दिखी नहीं। आपको पता है आदिल खान दुर्रानी झूठे सर्टिफिकेट बनाता है, वो सिर्फ एसएससी पास है, गवर्नमेंट के झूठे स्टैंप उसके पास है। मैसूर में, मैसूर के घर में जाओ, मैं मैसूर जा रही हूँ, पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, इसके घर में मैं पुलिस को लेकर जाऊँगी, इसके घर में पूरे पुलिस के पुलिस स्टेशन के गवर्नमेंट के सत्य में उजेकते के ये सारे स्टैंप बोलते हैं ना, कौन से स्टैंप है जो जिससे स्टैंप से आप कोई भी सर्टिफिकेट बना सकते हैं, तो इसने अपने कॉलेज का सर्टिफिकेट, ये तो कभी कॉलेज गया ही नहीं। एनीवे वो गवार है राखी सावंत, अनपढ़ हूँ मैं, अनपढ़ है वो, ड्रामेबाज है वो, तू क्या है? रेपिस्ट है तू, रेप करता है तू, लड़कियों के न्यूड वीडियोस बनाता है तू, फ्रॉड करता है तू, 420 ही करता है, एक बंदे को एक कार बेचता है, उसको कार देता है, दूसरे को डॉक्यूमेंट देता है, ये तेरा पेशा है, तो गवार होना बढ़िया है तेरे जैसा होने से अच्छा। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, मेरे माँ बाप गरीब थे मुंबई अच्छा में, तो उनके पास पैसे नहीं थे बच्चों को, तीन तीन बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है? रेप, एक मिनट, गवार रहना अच्छा है रेपिस्ट होने से अच्छा, बहुत अच्छा है कि वो गवार है, तेरी तरह रेपिस्ट नहीं बनी, पढ़े लिखे रेपिस्ट लोगों के साथ में क्या होना चाहिए ये बहुत जल्दी पता चलेगा तुझे। अभी तो तूने उसके ऊपर सिर्फ बातों के वार किए हैं, सबूतों के वार हम करेंगे तेरे ऊपर, सबूत के साथ बात करेंगे, तू सिर्फ बात कर, बात के सिवाय झूठ बोल, झूठ के सिवाय तेरे बस की कुछ नहीं है। कहता है IIT किया है, एक सेकेंड, घंटा IIT किया है, सब झूठे, IIT किया है तो भी राखी इस गवार के पास आके पैरों में गिर के फेम लिया है,
सक्सेसफुल है वो, अपने पैरों पे खड़ी है वो, उसके तूने उसके उसके साथ आके उसके पैरों में गिर के, और जो तू बोल रहा है ना आज कि उसकी उम्र और उसकी ये सब, दूध पीते बच्चे, बॉटल लेने वाले बच्चे, एजुकेटेड बच्चे, तू जो है क्या कर रहा है और क्या नहीं, तेरे पे जो एलिगेशन इस वक्त लगे हुए हैं, राखी तो रेप के केस में अंदर नहीं गई, राखी तो रेप के केस में, चोरी के केस में, डकैती के केस में नहीं गई, लेकिन तू तो जाके आया है मेरे बच्चे, तो बोलने से पहले 10 बार सोच। वो बहुत ही सक्सेसफुल औरत है, तभी उसके पीछे घूम रहा था, तभी उसके पीछे बॉटल लेके तू घूम रहा था, दुद्दू की जो छोटी छोटी जो तू बात करता है उस लड़की के बारे में, सो थोड़ा सोच समझ के बोल कि वो क्या है और तू क्या है। और ब्लैक हॉर्स की जो बात कर रही हूँ मैं, घोड़ा घोड़ा ब्लैक हॉर्स तू पीता है, तेरे रग रग में है, ब्लैक हॉर्स नहीं पिएगा तो तेरा कोई काम तमाम, क्या बोलूं अभी, अभी तो कुछ दो नहीं लोग होगा। एक सेकंड, अभी तो 2 लोग आए थे मैसूर से, सिर्फ 2 ही लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, अभी 50 लोग आएंगे। अभी 2 लोग आए तो इसके फटके हाथ में आ गई है, उतने पैरों में आ रहा है, अभी तो 50 लोग आएंगे, तब तेरा क्या होगा, तब क्या होगा, तब बताना। मुझ पे वार किया अकेली लड़की पर, तेरे चिट्ठे तो बेटा ऐसे हैं, तू बोल सकता है, तुझे भी पता है अच्छे से कि तेरे चिट्ठे कैसे खिलेंगे। अभी मेरे पास है कुछ वॉइस नोट जो तूने भेजे हैं सुबह ही, जिसमें तू गिड़गिड़ा रहा है ऑलरेडी, तो देख के बोल, जितना तू काउंटर में ले सके उतना ही बोल। राखी सावंत अकेली नहीं है, राखी सावंत के साथ वो सारे लोग जिन्होंने, जिन लोगों को तूने चीटिंग किया है, जिन लोगों के साथ तूने फ्रॉड किया है, जिन लोगों को तूने पैसा देना है, जिन लड़कियों और लड़कों के साथ तूने सेक्सुअल रिलेशंस बना के जो वीडियोज बनाई है, वो सब आने वाले हैं।